अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरपरस्त हजरात और प्यारे बच्चों, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कबड्डी खेलते होंगे। प्यारे बच्चों, हम जब खेल का मुकाबला लेते हैं तो दो टीमें आपस में एक दूसरे के मुखालिफ होती है। हर टीम की ये कोशिश होती है कि वो इस मुकाबले को जीत लें और जीतने के बाद जीत का जश्न मनाएं। प्यारे बच्चों, जब दो टीमें आपस में एक दूसरे से टकराती है तो एक की जीत होती है और दूसरे की हार होती है। ये हार और जीत का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जीतने वाला हमेशा जश्न मनाता है और हारने वाला अपनी हार की कमजोरी और अपनी कमियों का खामियाजा और जो भी हमारे से कोताहियाँ हुई है उसके बारे में गौरवफिक्र करता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से एक दूसरे ममालिक से आपस में जंगें होती है और इन जंगों में भी किसी की जीत होती है तो किसी की हार होती है। लेकिन जब जंग होती है तो कई जंग में जीतने के बावजूद भी वहाँ पर खुशी का माहौल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उस जंग के अंदर बहुत सारे सिपह सालार, बहुत सारे सिपाही और बहुत सारे अहदेदारान शहीद हो जाते हैं, इसलिए जीत का जो जश्न है वो मध्यम हो जाता है। आइए आज हम माहौल का मुताला हिस्सा दुअम सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। किला फतेह हुआ मगर शेर मारा।